और सारे के सारे लोग इस घटना को परिचित हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम बीइंग वकील एडवोकेट हमारा ये फर्ज बन जाता है कि अगर कोई भी ऐसी ताकत, ऐसा कोई लोग जो कानून अपने हाथों में लेता है, तो हम वकीलों को सामने आना चाहिए। यहाँ पे कोई जाति का धर्म का सवाल नहीं है, यहाँ पर एक ऐसी ऐसे हम समाज में जी रहे हैं, ऐसे समाज में जी रहे जहाँ पे जिंदा लड़की को जलाया जाता है दिन दहाड़े, और उसके बाद लड़की के घर पे फोन किया जाता है, और आज तक सरकार की जो आंखें हैं, जो उसकी जो कान है, अभी तक वो गूंगे और बहरे बने हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, एक एक शहीद भगत सिंह ने बोला था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। आज हमें सामने निकल के आना चाहिए और इन घटनाओं का तमाम निंदा करनी चाहिए, ताकि ये भविष्य के अंदर ऐसी घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो। और ये मैसेज आना चाहिए सरकार को, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कि लोग आपकी नीतियों के खिलाफ और गुंडागर्दी के खिलाफ और जो ये एक मानवता के खिलाफ जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम सब उनके खिलाफ हैं और हम लड़ेंगे जब तक हमारे अंदर दम है साथी। तो आज हम शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च लेकर चलेंगे सब साथी, और उसी का विरोध प्रदर्शन स्वरूप हम सभी लोग शांतिपूर्ण उस लड़की को आज यहाँ इस कोर्ट के प्रांगण में अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि भारत में किसी भी लड़की की, किसी भी महिला की, किसी भी बहन की और किसी भी बेटी को इस प्रकार जला के ना मारा जाए जिस प्रकार आज मारा जा रहा है। आज जो ये सरकार है या जो ये सत्ता के लोग हैं जो महिलाओं के साथ ये हिंसक करतूत करते हैं, उन सभी के विरोध में हम सभी लोग करकटमा कोर्ट के अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये कैंडल मार्च हम निकालने जा रहे हैं।